सर ये देखिए हमारी बेस्ट प्रॉपर्टी। मुझे ये एरिया पसंद है, हमारी ईवी फैक्ट्री यहीं पे लगेगी। ओह हाय, मेरी फैक्ट्री भी यहीं पे, ओला फ्यूचर फैक्ट्री, नाम तो सुना ही होगा। सर तो फाइनल करें, कहीं और चलते हैं। ओला एक ऐसी कंपनी जिसने ईवी मार्केट को हिला के रख दिया। आफ्टर दिस न्यूज फ्यूचर फैक्ट्री, ओला एक फ्यूचर फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, मगर उससे पहले हम लोग कुछ और जान लेते हैं। ओला एक ऐसी कंपनी जिसने 300% से भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, और उसी के साथ इसने अभी मई के महीने में 35,000 से भी ज्यादा ईवीज को एक महीने में सेल किया है, जो कि उनका हायर मंथली सेल है। अब सवाल आता है कि वर्ल्ड में ईवी को कौन डोमिनेट कर रहा है? आंसर आपके पास है, हाँ टेस्ला। ओह इंडिया में भी टेस्ला है? टेस्ला इंडिया में कहाँ आई है? मतलब टेस्ला भी इंडिया में आई नहीं है, लेकिन हाँ रिपोर्ट ये है कि टेस्ला बहुत जल्दी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने वाला है। इन बात करते हैं इंडिया में कौन ईवी मार्केट को लीड कर रहा है, वो है टाटा मोटर। बट अब ओला भी इस लिस्ट में आने वाला है बिकॉज ऑफ फ्यूचर फैक्ट्री। ओके तो हम लोग जान लेते हैं फ्यूचर फैक्ट्री है क्या। तो अगर मैं फ्यूचर फैक्ट्री की बात करूँ तो फ्यूचर फैक्ट्री पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी जो टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करती है। एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो ओला 1 करोड़ से भी ज़्यादा टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, और उसी के साथ इस फैक्ट्री में 4 व्हीलर्स भी है और बैटरीज भी हैं। अगर हम लोग 4 व्हीलर की बात करें तो वो 10 लाख मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, 100 GWh बैटरी मैन्युफैक्चर होंगे, जो कि ईवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए 7,500 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा है। तो इसी के साथ ओला की ये फैक्ट्री एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रख के बनाई गई है। इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा पेड़ों को रीप्लांट किया है, 1 लाख लीटर पानी को बचाया है, और उसी के साथ CO2 एमिशन भी जीरो है। सस्टेनेबल फैक्ट्री। तो ओला इंडिया लार्जेस्ट ईवी बैटरी सेल प्लांट को भी सेटअप कर रहा है, जीगा फैक्ट्री, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर होंगे। ओला अपनी सर्विसें 250 से भी ज्यादा सिटीज में प्रोवाइड करता है, इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके है। और उसी के साथ ओला टू व्हीलर मार्केट में 27% मार्केट शेयर को होल्ड करता है, बाकी कंपनीज आप देख सकते हैं। तो अब देखना ये है कि ओला का फ्यूचर अब क्या होगा, और अगर वो इतना बड़ा प्लान सेटअप करे तो क्या ये टेस्ला को कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक ONDC वाली वीडियो नहीं देखी तो ये रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।